हेलो दोस्तों, आज हम नारियल का लड्डू बनाने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हम 200 ग्राम नारियल का चूर्ण ले लिए हैं। अब नारियल का लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई गर्म भी हो चुका है। इसमें एक चम्मच हम घी डाल रहे हैं। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चूर्ण को डाल रहे हैं। इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम एक कटोरी दूध डाल रहे हैं। इसको धीरे धीरे पिलाएंगे, धीरे धीरे पिलाते जाएंगे इसको अच्छे से। देखिए, अब ये दूध इसमें सूख चुका है। अब इसमें हम चीनी डाल रहे हैं। चीनी डाल के अच्छे से मिलाएंगे इसको धीरे धीरे। अब इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहेंगे। 3 चम्मच दिए हैं इसमें मिल्क पाउडर। अब ये तैयार हो चुका है बन करके। अब इसको हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं निकाल करके। इसको निकाल लेते हैं। अब इसको हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। लड्डू जल्दी जल्दी बना लेंगे, गरम गरम है। हल्के हल्के हाथ से इसको इस तरह से इसको बुरादा लगा दे रहे हैं ऊपर से, ताकि ये गीला नहीं पड़े। देखिए, अब ये लड्डू बन करके तैयार हो चुका है। इस लड्डू को हम बना के तैयार कर लिए हैं और इसमें हम केसर भी डाले हैं। अगर आप चाहें तो इसको डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। देखिए, अब हमारा लड्डू बनके तैयार हो गया है। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, खाने में भी स्वादिष्ट है। आप लोग भी अपने अपने घर पर एक बार इस तरह से बनाकर देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।